मुताई नाई दादी माँ चली नदी के संग। फेंको मुताई नाई। हाँ मुताई नाई। ओ नदी में क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि सब फेंकते हैं। क्यों नहीं फेंक सकते? ये बात समझ में नहीं आती है, वो भी मुताई नाई है। चलो देखने चलते हैं। पहुंच गए। ये कौन सी जगह है? पहाड़ पर, जंगल के भीतर, जहाँ से नदी शुरू होती है। अरे देखो, नदी के बच्चे का जन्म हुआ। नदी का बच्चा? क्या पता यहाँ से कहाँ जाएगा। चलो इसके साथ चलते हैं। नदी का बहाव तेज हो गया ना। वाह! अरे मछली। मछली के बच्चों, सबको नमस्ते। नमस्ते। सभी का जन्म यहीं हुआ। कितने प्यारे हैं ना? वाह! नमस्ते। खरगोश के बच्चों, गिलहरी के बच्चों, नमस्ते। तुम सब पानी पीने आए हो ना? छोटी छोटी नदियाँ मिलके थोड़ी बड़ी नदी बन गई। पेड़ का बच्चा, मशरूम का बच्चा, घास, फूलों और काई के बच्चों, नमस्ते। 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 धान के बच्चों, नमस्ते। 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 अरे क्या हुआ? यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं निकालता हूँ। धन्यवाद। कचरे का थैला। इसे यहाँ इस तरह से फेंक देना। अरे नदी का बच्चा कहाँ गया? वाह, बड़ी सी नदी। गंदे पानी में तो नदी का बच्चा दिख ही नहीं रहा। वहाँ देखो। बचाओ! नदी का बच्चा। कीचड़ और बदबू भी। अरे अरे, कितनी तकलीफ में है। केकड़े का बच्चा भी रो रहा है। निकल नहीं पा रहा हूँ। इनको बचाना पड़ेगा। क्या ये सब मुताई नाई नहीं है क्या? मैं उठा कर लाता हूँ। बाय बाय। समुंदर दिखाई देने लगा। अरे ये क्या, यहाँ भी कचरा भरा हुआ है। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कुछ खराब चीज तो नहीं खा ली है? ऐसे में इन्हें खाना समझकर गलती से खा लेते होंगे। इन्हें निकालना पड़ेगा। क्या ये सारा? तो इनको ऐसे ही रहने देंगे क्या? पर इतना सारा? समंदर के अंदर और भी बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, सुन रहे हो ना? अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर सफाई करें तो हो जाएगा। हाँ, अरे हाँ। सब सुनो जरा, कचरा उठाने में मदद करो। छोटे बच्चे रो रहे हैं। क्या मदद करते हैं? क्या हुआ? चलो सब मिलकर सफाई करते हैं। छोटे बच्चे रो रहे हैं। गंदा है यहाँ पर। कचरा साफ करते हैं। हम सब काम करेंगे। मैं ये उठा लेता हूँ। ये देखो, उठा लेता हूँ। नदी का बच्चा। सबका शुक्रिया। बाकी भी साफ कर देना। हाँ बिल्कुल, हम कर देंगे। सूरज की गर्मी से नदी का बच्चा आसमान में जाकर, बादलों के अंदर, वहाँ से बारिश बनते हुए,
पहाड़ की चोटी पर, फिर धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से निकलकर फिर से पैदा हो जाता है। फिर मिलेंगे। पहाड़, जंगल, सागर और लोगों की जिंदगी के साथ भी नदी जुड़ी हुई है, इसलिए नदी को महत्व नहीं देना मोटाई नहीं है।